क्या है ना कि हमारी आयरन लेडी को ना बैसाखी की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। वो बिना सहारे के चल ही नहीं पाती। जैसे कि कल उनके लिए एक सहारा बन के आई थी हमारी तहलका दीदी, देखा ही होगा, उनके लिए स्पेशल लाइव रखी थी, उनके लिए स्पेशल ब्लॉग बनाई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है श्वेता और आप सबको श्वेता शर्मा ऑफिशियल में स्वागत है। तो हमारी जो है आयरन लेडी के लिए कल हमारी तहलका दीदी ब्लॉग भी ले आती हैं, लाइव भी आती हैं, और उसमें एक चीज़ कहती हैं कि हमारी आयरन लेडी की मम्मी बीमार पड़ गई। चलिए हम इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा अप्सरा मम के घर की। कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा बेटा नहीं चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे ऐसी माँ नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग बैक टू बैक चीज़ देखिएगा ना, तो कभी पब्लिक क्या होती है उनके अगेंस्ट हो जाती है, कभी पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाती है। चीज़ों को वो समझ ही ये लोग दिखाते हैं, और लोग इतने सेंसिटिव है ना कि उस चीज़ों को पकड़ ही नहीं पाते। अब अप्सरा मम शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ हम देखेंगे। अप्सरा मम ने एक थंबनेल लगाया कि मैंने रंजना और प्रिंस को सीधे सीधे मना कर दिया। अब और एक बात बताइए, और आप उसका कॉल्स भी नहीं उठा रही हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे ऐसे गंद फैला देंगे। जब हमें पता होता है कि हमारा बच्चा गंद फैलाने वाला है, तो हम ऐसा वर्ड नहीं निकालेंगे। मतलब कि हम खुद चाहते हैं कि हम ये गंद फैलाएं और हम सोशल मीडिया से इस गंद से पैसा लें। अब सोशल मीडिया पे क्या है ना, सारे जितने लोग जो हम लोगों को रिएक्शन वाले पे आके कमेंट करते हैं, वो उन लोगों पे जाके कमेंट करें कि आप लोग गंद ना फैलाइए, क्योंकि रिएक्शन वाले उसी गंद को यहाँ लाने वाले हैं। ठीक है, वो अब बच के रहे, क्योंकि यहाँ रिएक्शन वाले भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो हमारी अप्सरा मम थोड़ा सा गंद फैलाई, उनका सपुत्र जी तो कुछ ज़्यादा ही गंद फैलाने वाले होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक रंजना से चीज़ पूछना चाहती हूँ। जब आपको पूजा ने फ़ोन करके स्पेशली मना किया कि उसको आप हटा दो, तो आपने हटाया क्यों नहीं? मतलब कि रंजना भी यहाँ चाह रही थी कि यहाँ नेगेटिव कमेंट पड़ा रहे, तो ये बैड चीज़ है। चलिए अब थोड़ा सा मनीषा भाभी, वाईटी के मनीषा भाभी के बारे में बात कर लेते हैं। वाईटी के मनीषा भाभी जहाँ बोलना होता है उनको बोली नहीं निकलती है। अब वाईटी के मनीषा भाभी जो है ना, एक कल अपने एक वीडियो में बात बोली, आप लोग भी देखे ही होंगे, कि मेरी मम्मी ने तबीयत के लिए बाबू को फ़ोन की थी, लेकिन उनकी मम्मी ने हमारे हस्बैंड के लिए फ़ोन नहीं की थी। अब वो चमक के रोने के लिए चली जाती है, और भैया जी को भी इस बात से तकलीफ लगी होती है। अब एक चीज़ बताइए, हम कैसे रिश्ते रखते हैं ना, हम किसके साथ कैसा रिश्ता रखते हैं? इस रिश्ता को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम कैसे किसी के साथ रिश्ता रखने चाहते हैं ना, वो मेरे पर निर्भर है। प्रिंस रिश्ता निभा रहा है वहाँ पे, तो प्रिंस को हालचाल पूछिए। आपके भैया जी वहाँ रिश्ता नहीं निभा रहे होंगे, इसलिए आपके भैया जी को हालचाल नहीं पूछा गया होगा, और चाहे वो ऐसी कंडीशन होगी जिसके चलते वो लोग सोच समझ के नहीं भी पूछे होंगे। अगर रिश्ता आप लोग सही रखे हैं और नहीं पूछे हैं, तब उन लोग की गलत है। चलिए इनकी भी बात क्लियर कर लें। कि मनीषा भाभी के बारे में कहेंगे एक चीज़ कि जो बात उनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलती, ये गलत बात है। अब थोड़ी सी आयरन लेडी के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं बाद में आयरन लेडी के बारे में, थोड़ा सा हौचपच हो गया होगा ये वीडियो, बट थोड़ा आयरन लेडी के बारे में बात करते हैं। हमारी आयरन लेडी को तो बैसाखी शुरू से ही चाहिए होती है, रोना धोना हर पार्टी में, सिंपैथी कार्ड खेल खेल के व्यूवर्स बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये उनका शुरू से अंदाज रहा है। अब उनके लिए एक स्टैंड लेने के लिए हमारी तहलका दीदी आ रही है आजकल। हमारी आयरन लेडी दीदी को प्रॉपर्टी चाहिए एक्स ससुराल से, मतलब पहले वाले ससुराल से भी चाहिए। अब एक बात आप लोग बताइए,
कि शादी करने के बाद नौकरी छीन जाती है, अगर पति का नौकरी, पहले वाले पति का कुछ सरकारी जॉब लिया रहता है ना, वो भी नौकरी चली जाती है। ये तो शादी कर रही है मैम, ऐसे ही इनको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाला है, उनको क्लियर हो गया। हाँ, तासी को मिल सकता है एनीवे। लेकिन ये मैडम इतनी चालाक है कि अब ये कल एक वाईटी पे हंगामा बनवा के छोड़ी तहलका दीदी से कि हमारी मम्मी बीमार है। तो बीमार है तो तुम तो बैक टू बैक मीशो प्रोडक्ट ला रही हो, बैक टू बैक मीशो प्रोडक्ट ला रही हो। तो ये है हमारी आयरन लेडी की काले करतूते, कैसे करतूते करती हैं। सो आप लोग खुद देखिए और फिर जाके वहाँ कमेंट करिए, ना कि किसी अदरवाइज को परेशान करिए, उस अदरवाइज में उसकी देवरानी आ गई। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज का कोई ख़ास मैंने सोच के वीडियो नहीं बनाया, तो इसलिए थैंक यू।